हमरे से तो बेस बेहतरीन से अच्छा अगर रख रहा है वो परिंदा है। अगर इंसान से अगर अच्छा सोचा जाए तो वो परिंदा है कि कभी मस्जिद पे जाके बैठता है, कभी मंदिर पे जाके बैठता है। तो हम लोग तो एक इंसान है, हम लोग तो वैसे मेरे पास सोच नहीं है, ये पार्टी का भी मेरा सोच नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस की टिकट एकदम निश्चित है कि अरुण साहू के जीत है। यहाँ पे दो नेशनल हाईवे और इस रोड पे, इस चौक पे एक ये लोग बाथरूम का निर्माण नहीं करा पाए। अपने आप के कहते हैं हम विधायक बनेंगे, ये लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं पत्रकार महोदय, ये बात मान के चलिए 30 साल की गुलामी की जंजीर अगर टूट जा रही है, 30 साल की गुलामी की जंजीर टूट जा रही है। रात को टिकट कंफर्म होता है और सुबह इतने भीड़ आ गए हैं, यही बता रहा है कि जीत सुनिश्चित है उनका। और आपको बता देते हैं, ये जीत नहीं महाजीत हम लोग को होगा और आने वाला दिन में अरुण साहब विधायक नहीं मंत्री पद का भी दावेदार करें। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेव समाचार। इस वक्त हम बरही में हैं जो काफी हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि कल तक सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस से किसको टिकट मिलेगा। उमा शंकर अकेला का नाम चल रहा था, सस्पेंस था, लेकिन अचानक एक युवा जो उम्मीदवार हैं अरुण साहू का टिकट जो है फाइनल हो जाता है। जो उनका नामांकन था, उनका यह दावा है कि तैयारी का मौका नहीं मिला, फिर भी हजारों की भीड़ थी। अगर तैयारी का मौका होता तो नामांकन सभा में इतनी भीड़ होती कि रिजल्ट जो है वो लोग समझ जाते। उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्यों दावा करते हैं अरुण साहू जो है वो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा किशोर साहू नाम है। किशोर साहू जी हैं, आप लोग जीत का दावेदारी कर रहे हैं, क्यों जीत का दावेदारी कर रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं अरुण साहू जो है इस बार जीत ही जाएंगे? वो भीड़ जो है, जन सैलाब है, हाँ। वो आपको खुद बता रही है कि रात को टिकट कंफर्म होता है और सुबह इतने भीड़ आ गए हैं, यही बता रहा है कि जीत सुनिश्चित है उनका। मनोज यादव जी का क्या होगा? बीजेपी कह रही है कि उनके जो लोग हैं इस बार तो हम लोग ही जीतेंगे, हालांकि उनको पता था उमा शंकर अकेला को टिकट मिलेगा, तो आरोप लगा रहे थे बाप बेटे पे रंगबाजी का, लेकिन अब अरुण साहू जब उम्मीदवार बने हैं तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी कि फिर भी वो जो दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, क्या कहिएगा उस पे? देखिए, दूसरे के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है, बस अपने बारे करना है कि हमारा जीत सुनिश्चित है। अरुण साहू जी में क्या ऐसा अच्छा है बताइए, कार्यकर्ता हैं आप? अरुण साहू यहाँ बरसों से मेहनत कर रहे हैं और उनके पिताजी जो गरीब गुरबा को, दबे कुचले को उठाने का काम किया है, वही आज अरुण जी के लिए काम आएगा। चलिए कुछ और लोग हैं, भैया आप आ जाइए फटाफट। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी हुआ, इस बार किसका, किसकी सरकार? सरकार तो जो चल रही है वही चलेगी। हाँ, बीजेपी कह रहा है इस बार सुपड़ा साफ। बीजेपी तो पता नहीं कैसे आकलन करती है, इसका किसी को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो आजकल बोरो प्लेयर बहुत खिलाते हैं। अच्छा, अरुण साहू जी एक बार बताइए, क्यों आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी जीत है? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि भले ही पिछली बार हार गए कुछ वोट से, इस बार तो हम लोग जीत जाएंगे। अरुण साहू युवा हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं और हर समय पॉजिटिव बात करते हैं, और पॉजिटिव बात करने के चलते इनका जीत सुनिश्चित। एक जो है गठबंधन है और जेएमएम के जो है एक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, तब पूरा एकता बना हुआ है कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में। पूरा गठबंधन का एकता बना हुआ, पूरा झारखंड में बना हुआ है, पूरा झारखंड में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप लोग पूरे सपोर्ट में हैं कांग्रेस प्रत्याशी के? पूरा सपोर्ट है इंडिया गठबंधन का, जो उम्मीदवार अरुण साहू जी जो है, थोड़ा इधर आ जाइए, गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ हैं और आज देख लीजिएगा बहुत देर रात में टिकट सुनिश्चित हुआ अरुण जी का। और आप इस भीड़ को अंदाजा आप लगा सकते हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं सबसे पहले कि आप लोगों ने ही सर्वे करके बता सकते हैं कि मतलब जीत का कगार पर हम लोग कितना परसेंट आगे। और रहा बात कि हम लोग किसी दल का ऐसे वैसे किसी का शिकवा शिकायत नहीं करते, हम लोग को सिर्फ मंजिल पार करना है, समझ गए। और हमारे जो अरुण साहू हैं, जो इनके पिताजी ने यहाँ पे बलिदान दिए, अरुण साहू यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, यहाँ के लोगों को कुछ दे के गए। और जो इनका पिता का जो यहाँ हत्या हुआ, वो हत्या जब ही यहाँ का जनता कर्ज मुक्त होगा, जब इनको अरुण साहू को विधायक बनाएगा, तभी वो आदमी तिलेश्वर साहू जी का खून का बलिदान का हम लोग कर्ज वसूलेंगे। और हमारे साथ बहुत है कांग्रेस का, यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष चौपारण से हैं और हमारे जेएमएम का सारे बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं। और आपको बता देते हैं, ये जीत नहीं महाजीत हम लोग को होगा और आने वाला दिन में अरुण साहब विधायक नहीं मंत्री पद का भी दावेदार करें। मंत्री पद का दावेदारी कर रहे हैं,
कि अगर वो जीतते हैं तो अरुण साहू जी वो मंत्री पद के दावेदार हैं? एकदम 100% होंगे, इसलिए हम लोग आज देख रहे हैं हमारे जो इंडिया गठबंधन का जो मुख्यमंत्री हमारे हेमंत बाबू हैं, वो जितना ही योजना चला दिए हैं इंडिया गठबंधन का, हम लोग को प्रचार करने की जरूरी नहीं, जितना वो योजना चलाए हैं यदि उसका हम लोग बखान करना चाहे, गिनती गिनाना चाहे, कह रहे कि चुनाव के टाइम में कर रहे हैं, पहले का ही नहीं किया, बीजेपी वाला कह रहा है हम लोग आएंगे तो पहले दिन से कर देंगे। देखिए बीजेपी वाला का बराबर का यही कहना है, जब बढ़िया काम कोई करने लगते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन का सरकार, तो बीजेपी वाले को पेट में दर्द होता है, ये तो करता कुछ नहीं है, और जब करना जब चालू दूसरे दल वाले करते हैं तो उनको पछता नहीं, इसलिए कि हम जो कभी सपना नहीं देखे। आप लोग को मुद्दा पे नहीं घेर रहे हो लोग, कल हम वहां भी गए थे मुन्ना यादव जी के कार्यक्रम में, बांग्लादेशी घुसपैठ वो बता रहे कि यहां भी बरही में भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक तरफा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? तो ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, बीजेपी कोई मुद्दा अगर होगा जो राजनीति होता है, बीजेपी वाले का जो राजनीति जात पात और धर्म पर राजनीति किया, मुद्दे पे नहीं करते, मुद्दे पर कभी करवे नहीं, कभी मंदिर पर ले जाएगा तो कभी मस्जिद ले जाएगा, कभी गुरुद्वारा ले जाएगा, अब घुसपैठी वाला पर लगा दिया, तो उसको पूछना चाहिए ना कि उसका बॉर्डर किसका है, घुसपैठी का जो घुसता है तो क्या अगर राज्य सरकार देखता है वो केंद्र सरकार देखता है, वो केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही है कि जो आप तो बीजा जो दे रहे हैं वो तो राज्य सरकार उसमें कहां इन्वॉल्व है। चलिए आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बताइए क्या है माहौल इस बार, उमा शंकर अकेला जी का रातों रात टिकट कट गया, अच्छा रात को नॉमिनेशन होता किसकी तैयारी में थे कि किसके नॉमिनेशन में जाना है? देखिए हम लोग आज से नहीं, हम लोग स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के जमाने से हम लोग हैं इनके साथ, अच्छा उनको भगवान स्वर्ग में जगह दे। मेरा नाम मोहम्मद आफाक आलम, मैं चायकला पंचायत चौपारण प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ। भैया आप रुकिएगा, आप रुकिएगा, आप रुकिएगा, हम लोगों ने बहुत, अच्छा मोहम्मद जी ठीक है आप बोल रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ पे कभी बोले थे बरही बांग्लादेश बन जाएगा, क्या बोलिएगा बीजेपी की राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे वो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे लोगों को? हमरे से तो बेस बेहतरीन से अच्छा अगर रख रहा है वो परिंदा है, अगर इंसान से अगर अच्छा सोचा जाए तो वो परिंदा है कि कभी मस्जिद पे जाके बैठता है कभी मंदिर पे जाके बैठता है, तो हम लोग तो एक इंसान है, हम लोग तो वैसे मेरे पास सोच नहीं है, ये पार्टी का भी मेरा सोच नहीं है, हेमंत सोरेन जी का भी कभी सोच नहीं रहा, अगर सोच होता तो महिला योजना नहीं चलाते, एक एक हजार रुपये जो महिला दिया जाए, महिला 15,000 महिला दिवस का उस वक्त जो भीड़ हुई थी जिस वक्त स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के मतलब स्वर्ग मतलब कि मतलब ये किया गया मर्डर किया गया या किसी तरह से उसके साथ जो हादसा हुआ, जिसका सपना बाकी था उनका, उसी के सपना के लिए अरुण साहू जी को हमारे माननीय आला कमान जो राहुल गांधी जो टिकट देके भेजे हैं वो सही फैसला लिए हैं और सही यहाँ पर फैसला देके बरी विधानसभा में भेजे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की टिकट एकदम निश्चित है कि अरुण साहू के जीत है यहाँ पे और अरुण साहू का कोई हराने वाला मामला। सवाल आपसे पूछेंगे प्रश्नल, अगर उमा शंकर अकेला जी को टिकट मिलता तब कैसी लड़ाई होती, ईमानदारी से बताइएगा, अगर उनको मान लीजिए कांग्रेस टिकट दे देती तब बीजेपी और कांग्रेस की कैसी लड़ाई होती? जी अकेला जी के तो हम भी मान सम्मान देते हैं, ऐसे बातचीत नहीं, अकेला जी को हम लोग कभी आज तक के कभी नीचा नहीं देखे, हम लोग उनको हम लोग बराबर अच्छा देखे, इसलिए कि वो पार्टी के अंदर में। चलिए घुमा के पूछते हैं, क्या अरुण साहू को मिला है तो क्या मजबूत दावेदारी है, जीतने का चांसेस बढ़ा है? हम लोग तो कहते हैं कि आज का जो जुलूस निकला है, रात में बच्चा मतलब पैदा हुआ, रातें बच्चा पैदा हुआ, सुबह जवान हो गया, समझ रहे ना, किसी को खबर भी नहीं, हम लोग ये जवाब दे दिए हैं तो इसका मतलब जवाब दे दिए अरुण साहू जो है मजबूत दावेदार हैं, अरुण साहू का जीत हासिल है कि अरुण साहू जी का अगर ये जो निकला जुलूस, इस जुलूस में आप थे? थे, हम भीड़ देख रहे थे। हाँ। क्या आपको महसूस हुआ? भीड़ तो कम तैयारी में अच्छे लोग जमा हो गए थे, आपको महसूस क्या हो रही है? अगर मैं कार्यकर्ताओं से बात हुई वो बता रहे थे कि 9 बजे तक पता ही नहीं था, पत्रकार महोदय आपको कैमरा ऑफ होगा तो हम बता देंगे उसके बाद। चलिए आप आ जाइए भैया, आप लोग को बड़े एक मुद्दे पे घेरने जा रही है, लाइट आ जाएगा थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ एक मिनट भैया, एक बड़ा मुद्दे पे आप लोग घेर रहे हैं वो लोग, हाँ बोलिए। आज तक जो है ना बरही विधानसभा के लोगों को अगर बोला जाए तो जब से हम होश संभाले हैं, आज 50 साल उम्र होने चला, 50 साल से प्लस 30 सालों से हम देख रहे हैं, जब से मैं होश संभालू और वोट देते आ रहा हूँ कि लूट खसोर मचा हुआ है, ब्लॉक स्तर पे, थाना स्तर पे, यहाँ तक बताइए कि बरही एक ऐसा विधानसभा है कि जहाँ से इंडिया का चारों तरफ का रोड गुजरती है, GT रोड,
दो नेशनल हाईवे और इस रोड पे इस चौक पे एक ये लोग बाथरूम का निर्माण नहीं करा पाए। अपने आप के कहते हैं हम विधायक बनेंगे, ये लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक जुआ व्यक्ति को टिकट दी है जिसका बरही विधानसभा के पब्लिक का चाहत थी, आज वैसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है और हम सभी बरही विधानसभा के लोगों में ये हर्ष और उछला रहा है कि उनको भारी मतों से अरुण साहू को जिताएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं पत्रकार महोदय, ये बात मान के चलिए 30 साल की गुलामी की जंजीर अगर टूट जा रही है, 30 साल के गुलामी की जंजीर टूट जा रही है, लोग कह रहे हैं कि कम से कम एक नया चेहरा को मौका तो मिलना चाहिए। और शायद ये वजह होती है जब किसी नए प्रत्याशी को मौका मिलता है, क्योंकि 30 साल लगभग जो है अकेला यादव हो या मनोज यादव, दोनों हारते जीतते रहे। कुछ और लोग अपने बात करते हैं, दोनों ठकने का ही काम। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं बरही प्रखंड का, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सचिव हूँ। आगे आ जाइए। मैं सचिव हूँ और करियातपुर का पूर्व मुखिया भी हूँ। मैं यही विनती करूंगा निवर्तमान जिनको टिकट मिला है और पूरे कार्यकर्ता पूरे बरही विधानसभा की, कि अपना समन्वय जिस तरह दोस्ताना झारखंड मुक्ति मोर्चा एलेंज कांग्रेस सभी का मान सम्मान अरुण जी देंगे तो प्रचंड वोट से जीतेंगे और साहू जी भी इनका बहुत सहयोग मदद करेंगे। जाती है तो जाती, तो जाती नहीं है ना। अब बात रही शकील छाप, जहाँ से उनका उत्पत्ति हुआ यादव जी, हाँ हाँ चलिए, हाँ वहीं पर उनका द इंड हो गया। अब मैं कहता हूँ कि अगर उनको आने से हमारे अरुण जी का और भी समीकरण अच्छा बना, क्योंकि वो भी अपना ना कुछ जो काटेंगे, जैसे हम लोग अब खुल के बता दीजिए क्या काटेंगे, वो वोट काटेंगे, वोट काटेंगे अपना वोट काटेंगे, ये मनोज कुमार यादव जी का वोट काटेंगे, मनोज यादव जी का सीधे बोलिए यादव जी का वोट काटेंगे। और हमारे एससी एसटी अनुसूचित जाति जितने भी हैं और अल्पसंख्यक वोट जो है इतने हैं, हम लोग मजबूत प्रचंड कराएंगे, इसमें हम लोग भी दोस्ताना लड़ रहे हैं तो हम लोग बहुत सहयोग करेंगे पूरे बड़े विधानसभा। चलिए एक और भाई साहब यूथ हैं, इधर आ जाइए, लाइट बजा रहे, अचरा पंदिरा पड़ रहा है। हाँ ये बताइए कैसे निपटिएगा, वो लोग मुद्दा उठा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का इसका, तो कैसे निपटिएगा? बरहिम कितना बांग्लादेशी घुसा है उनका जानकारी है? कल तो जब मंच से नामांकन सभा हुआ तो वो भाषण में इस बात जनता को बता रहे थे, समझ जाइए एक हो जाइए। बांग्लादेशी कैसे घुस गया बॉर्डर पर, किसका सिक्योरिटी लगा हुआ है? केंद्रीय मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हाँ, तो घुस कैसे रहा? पहले तो उस पर जो सुरक्षा मंत्री है या जो भी है उनका है, मंत्री है। हाँ, अजीत डोभाल है, क्या क्या है उनको, उन लोग पर क्या सिकंजा कसा जा रहा है कि बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसा, कैसे गया? हाँ, कैसे आ गया? पहले पहला सवाल तो वही है। देखिए बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम और धर्म के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ न कुछ पब्लिक को बहला फुसला करके वोट लेगा, उसके बाद पब्लिक का एक भी बात नहीं सुनता वो सर। अभी कुछ कह ले वोट ले लेगा। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, कितना वादा किए, एक भी वादा पूरा किए होंगे तो बता दीजिए। वो तो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि मैया समान योजना लास्ट वक्त में दे रहे हैं, रोजगार नहीं दिए लास्ट वक्त में दे रहे हैं ना, तो आप 30 साल में आप एक बार दिए? वो लास्ट वक्त में 30 साल में कितना बार दिए? एक बार 30 साल हो गया, उन लोगों को क्या दिए? हम बेरोजगार है, एक रुपया कमाते नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो करके चलिए, अब हजार का नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। बगल में हजारों कंपनी लगी हुई है। हाँ। अगर वहां पर जाइएगा तो भैया होकर आदमी है तो घुसेगा, नहीं है तो आप लेबर में खटिए। सब बिहारी लोग बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी बनेगा मैनेजर, और यहाँ का आदमी पढ़ लिखा रहेगा तो जाकर वहाँ कोड़िए। अरुण साहू जी विधायक बनेंगे तो यहाँ जो लोकल कंपनी है, क्या उसमें लोकल लोगों को रोजगार नौकरी मिलेगा? तो है, उसी आशा से आदमी वोट देने के लिए तैयार है। अगर हम लोग को रोजगार दिलाएंगे तो हम जरूर, हम एक नहीं है, हमारे पीछे हजार है, एक जितना आदमी है एक वोट नहीं है उनके पास। अरुण साहू का आप समर्थक है, अच्छी बात है, क्यों जीतना चाहिए उनको, शॉर्ट में अगर बता सके क्यों जीतना चाहिए? देखिए अभी पूरा बरही जनता जान रहा है कि अब सब पुराना हो गया, किसी का बात नहीं सुना जाता है, कार्यकर्ता का बात ही सुनता है, और कार्यकर्ता अगर उसका उसके पीछे है तो उसी का काम करता है। आज हम लोग नया का काम, नया चेहरा सबको देखना चाह रहा है, हम लोग का भैया है, और अभी से नहीं आज तक जैसे युवा है, हम भी युवा हैं, वो हम लोग को साथ देंगे, रोजगार देने की बात कहे हैं, इसके लिए हम लोग पुरका सब मेन वजह ये आपका, आपकी बात समझ में आया कि सबको देख लिए 30 साल में कभी वो कभी ये, अब नया चेहरा को मौका मिलना चाहिए। मुद्दा जो अभी बन में नहीं आ रहा है लेकिन